नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। नोएडा पुलिस कर्मियों के लिए अपने आंतरिक शक्ति की खोज विषय पर वर्कशॉप। ब्रह्म कुमारी नोएडा सेक्टर 92 और यूपी पुलिस का संयुक्त आयोजन। पिथौरागढ़ में ITBP के जवानों को बीके कनिका ने तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए दिए टिप्स। 80 जवानों ने 3 दिन तक लिया लाभ। वेस्ट बंगाल के वर्धमान में लगा 4 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंगम शिव दर्शन मेला। विधायक मधुसूदन भट्टाचार्य समेत दर्शन करने उमड़े हजारों लोग। और बुलेटिन में होंगे गुड़ी पड़वा, नवरात्रि और आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। नोएडा सेक्टर 108 पुलिस कमिश्नरेट में यूपी पुलिस कर्मियों के लिए ब्रह्म कुमारीज द्वारा अपनी आंतरिक शक्ति की खोज विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस भारती सिंह, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस समेत 200 पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। नोएडा सेक्टर 92 की मोटिवेशनल स्पीकर बीके रेणु ने पुलिस अधिकारियों को राज्य मेडिटेशन की विस्तार से जानकारी देने के साथ अपनी आंतरिक शक्तियों को उजागर करने का तरीका बताया। इसके साथ ही बीके पुष्पा और बीके हेमा ने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मन को तनाव मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया। अंत में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस भारती सिंह ने अपने वक्तव्य में कार्यशाला को बहुत ही उपयोगी बताया और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने का आग्रह किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ITBP के जवानों को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य शिक्षिका बीके कनिका ने 80 से ज्यादा जवानों को नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की कला सिखाई। राजयोग का मेडिटेशन हम करते हैं, उसका पूरा लक्ष्य ये होता है कि हमारा आंतरिक बल बाकी और चीजों पर ध्यान, और आंतरिक बल या फिर आप ये कहें आत्मिक शक्ति क्या होती है, जो 6 की 6 गुण मैंने आपको बताए, यही हमारी आत्मिक शक्ति। इसके साथ ही उन्होंने ब्लेसिंग्स में कितनी पावर है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की। ITBP द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चला, जिसमें बीके कनिका ने सभी को राजयोग मेडिटेशन की विस्तार से जानकारी देते हुए इसका अभ्यास भी कराया। पश्चिम बंगाल के मेमारी शहर में 4 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंगम शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसके दर्शन के लिए विधायक मधुसूदन भट्टाचार्य, नगर निगम अध्यक्ष स्वपन बिश्नोई, वर्धमान जिला परिषद के सभाधिपति शंपा धारा समेत प्रतिदिन हजारों लोग पहुंचे। मेले के दौरान बांगुर सब जोन के प्रभारी बीके मधु ने सभी को निराकार परमात्मा शिव का वास्तविक परिचय देते हुए उनके द्वारा किए जा रहे दिव्य कार्य की जानकारी दी। भारत के कोने कोने में जो ये विशिष्ट ज्योतिर्लिंगम है, उन सब का एक ही स्थान पर मेमोरी के अंदर स्वागत किया। और सीनियर राज्यों के टीचर बीके अस्मिता ने अपनी मधुर आवाज द्वारा सभी को ईश्वरी गीतों से मंत्रमुग्ध कर दिया। वर्धमान सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूमा के मार्गदर्शन में लगाए गए इस 4 दिवसीय मेले का प्रतिदिन हजारों लोगों ने अवलोकन किया, जिन्हें चित्र प्रदर्शनी द्वारा राजयोग मेडिटेशन की संक्षिप्त में जानकारी दी गई और मेडिटेशन रूम में इसका अभ्यास भी कराया गया। असम के डिब्रूगढ़ में नारी नए समाज के ध्वज वाहक और राजयोगिनी दादी जानकी जी की द्वितीय पुण्यतिथि के तहत सम्मेलन का आयोजन हुआ। विश्व शांति भवन में हुए इस कार्यक्रम में असम विमेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजंता बोरे गोहिन राजकोवर, डिब्रूगढ़ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रानी बोरो, ऑल असम प्रादेशिक महिला समिति के वाइस प्रेसिडेंट दीपाली साइकिया, महिला प्रभाग के मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता समेत की जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। सम्मेलन की शुरुआत दादी जानकी जी को भावभीनी पुष्पांजलि देने के साथ हुई। इसके पश्चात सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिनीता ने सभी महिलाओं को आध्यात्मिकता द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए प्रेरित किया। आगे मंच में उपस्थित अतिथियों ने महिलाओं को जिम्मेवारियां निभाते हुए स्वयं के विकास के लिए समय निकालने की सलाह दी। सम्मेलन के पश्चात बीके बिनीता ने अतिथियों से बातचीत के दौरान उन्हें संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया और परमपिता परमात्मा शिव का परिचय दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने में अब 100 दिनों से कम बचे हैं। सभी राज्य इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। हरियाणा में आयुष विभाग और हरियाणा के योग आयोग ने पहल करते हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था के सीनियर राजयोगा टीचर बीके उर्मिल को बतौर मुख्य वक्ता आमंत्रित किया गया।
गुरुग्राम के सेक्टर 21 स्थित हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला खेल अधिकारी संधु बाला, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर मंजू कुमारी, जिला पतंजलि प्रभारी जगदीश यादव समेत लगभग 100 से भी अधिक लोग मौजूद थे। बीके उर्मिल ने राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए इसके अभ्यास से इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाने की बात कही। व्यक्ति का असली दुश्मन उसके अंदर के 5 विकार है जो उसे जीवन भर दुख देते रहते हैं। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा उजागर किए गए इस रहस्य से लोगों को अवगत कराने के लिए पंजाब के बरनाला में प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी संस्था से जुड़े बीके राजीव के सहयोग से आस्था कॉलोनी में निकाली गई, जिसमें बरनाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके ब्रिज ने अगुवाई करते हुए सबका मनोबल बढ़ाया। अब कुछ खबरें गुड़ी पड़वा और नवरात्रि से जुड़ी। गुड़ी पड़वा को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के दिन को नए साल की शुरुआत मानते हैं। इसी के चलते ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा गुड़ी पड़वा के मौके पर समाज में शांति स्थापित करने का संदेश देने का प्रयास किया गया। आइए दिखाते हैं उसकी कुछ झलकियां। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी, घाटकोपर, कल्याण और गोवा के पंचिम की, जहां गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगातार पूरे भारत में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आइए अब दिखाते हैं लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या प्रयास कर रहा है। पहली तस्वीर अहमदाबाद की है, जहां पीस मैसेंजर बस यात्रियों द्वारा लोगों को तनाव और व्यसन से मुक्त रहने की युक्तियां बताई गई। साथ ही स्कूली बच्चों को मेडिटेशन द्वारा मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर बढ़ने की जानकारी दी गई। वहीं जबलपुर और इंदौर में सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली द्वारा लोगों को सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी सावधानियां दी गई। ऐसे ही आगे सूरत में युवाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की युक्तियां बताई गई। ऐसे ही पटियाला के अर्जुन नगर, अहमदाबाद के ईशानपुर, दिल्ली के आरकेपुरम, इंदौर के प्रेम नगर, वडोदरा के अलकापुरी, महाराष्ट्र के वसई, पश्चिम बंगाल के सागरपुर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब कुछ खबरें एक नजर में। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर लगा विधिक साक्षरता जन जागरूकता शिविर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव माननीय मनीष कुमार श्रीवास्तव एवं जिलाधिकारी दिग्विजय सिंह रहे उपस्थित। महिलाओं के हित से संबंधित कानूनों की दी जानकारी। पीड़ित प्रतिकार योजना 2015, पॉस्को एक 2012 और घरेलू हिंसा कानून धारा 125 के तहत महिलाओं के भरण पोषण जैसे कानूनों की भी की दी जानकारी। आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं ने लिया शिविर का लाभ। पूरे शिविर के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती रही उपस्थित। मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र पर निशुल्क जांच शिविर, मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत लगा शिविर। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खुराना के मार्गदर्शन में लगा शिविर। 350 लोगों ने कराई नेत्रों की जाँच, डॉक्टर कपिल ने आँखों की सुरक्षा के लिए दी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने कहा, जैसे स्थूल आंखें हमें सही रास्ता दिखाती हैं, ठीक वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान पथ भ्रमित होने से हमें बचाता है। ओडिशा के राउरकेला में कई गांवों में लगा निशुल्क जांच शिविर। आजादी के अमृत महोत्सव अभियान तहत आयोजित थे सभी शिविर। बीपी, डायबिटीज और आँखों की सैकड़ों ग्राम वासियों ने कराई जाँच। व्यसन मुक्ति के प्रति भी लोगों को किया जागरूक। पुणे के वेल्हा गांव में ग्राम विकास प्रभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम।
कृषि केंद्र प्रोप्राइटर देव गिरकर गुरुजी, अंबेगांव सेवा केंद्र प्रभारी डॉक्टर आरती, धनकवड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलभा रहे मुख्य वक्ता। जैविक और शाश्वत योगिक खेती करने के लिए किया प्रेरित। नए सेवा केंद्र का भी उद्घाटन। गांव में रैली निकाल कर एवं पर्चे बांट कर दी सेवा केंद्र खुलने की जानकारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अयोध्या वासी स्वर्णकार समाज महिला संगठन द्वारा सद्भावना रंग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। छतरपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शैलजा को स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, डीएसपी अनुरक्ति सबनानी, प्रसिद्ध कवियत्री नम्रता जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, गायक महिमा दीप पटेल, गूगल गर्ल दिशा नायक जैसी शख्सियत रही मौजूद। हिमाचल प्रदेश के ऊना में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान का आगाज। राज्य मंत्री माननीय वीरेंद्र कंवर जी ने किया उद्घाटन। पूरे ऊना जिले के जाने माने चिकित्सक और किसान रहे उपस्थित। अभियान के तहत कई हॉस्पिटल्स में कार्यक्रम। ऊना सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा और बीके डॉक्टर किरण शर्मा ने किया चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ का सम्मान। हॉस्पिटल में उपस्थित लोगों को राजयोग मेडिटेशन की दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के धमतरी पहुंची सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता के मार्गदर्शन में कई स्थानों पर कार्यक्रमों और सम्मेलनों का आयोजन। सुरक्षित यात्रा के लिए महत्वपूर्ण सावधानियों के प्रति फैलाई जागरूकता। नुक्कड़ नाटक द्वारा भी संदेश देने का प्रयास। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।